तो स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में कुछ बहुत अच्छी बातें आपको मैं बताने वाला और कुछ ऐसी बातें जो आपको थोड़ा सा दुख देंगी। तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले आप लोग को वो बातें बता दूं जो आपके दिल को ठेस पहुंचा सकती हैं, जिसमें सबसे पहली बात, जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा, जो गौतम गंभीर ने अपने ट्विटर पर शेयर करा कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। कुछ दिन पहले जैसा कि हम सबको पता चला था कि सौरव गांगुली भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद से गौतम गंभीर ने भी अपने ट्विटर पे ये शेयर करा कि वो भी कोविड पॉजिटिव हैं। और कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगा जो कुछ ही दिनों में ऑक्शन होने वाली आईपीएल का। और जैसा कि हम सब जानते हैं, गौतम गंभीर लखनऊ की टीम के लिए मेंटर इस बार चुने गए हैं और लखनऊ की टीम ने रिसेंटली अपना नाम भी, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनाउंस करा है कि उनकी टीम का नाम क्या होगा। जो गौतम गंभीर भी उस इवेंट को अटेंड कर रहे थे, बट उसके बाद ही कुछ दिन में वो कोविड पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर शेयर करा और सभी लोग को ये इन्फॉर्म किया। तो हम सभी ये कामना करते हैं कि क्योंकि इतना कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो सकें और वापस से जिस तरीके के वो बयान देते रहते हैं, चाहे किसी के तरीके के भी देते रहते हों, बट यहाँ पे पूरे तरीके से हमें प्रे करना चाहिए, क्योंकि उस लेजेंड ने जो कुछ इस कंट्री के लिए किया है वो कोई भी नकार नहीं सकता। जाहिर सी बात है, उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, कई लोग एग्री करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि इस चीज़ से कोई भी कभी भी नहीं नकार सकता कि उस बंदे ने जो इस देश के लिए किया है वो बहुत बड़ा है। हम T20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप को जैसे युवराज सिंह के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम उन दोनों ही वर्ल्ड कप के फाइनल्स को, जहां पे असल में निर्णायक मौके पे परफॉर्म करना था, उन दोनों फाइनल को भी हम बिना गौतम गंभीर के कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ये चीज को देखते हुए, जिस तरीके से कंटिन्यूसली केसेस आ रहे हैं कोविड के, और खासकर इस समय जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, पहले ये बात आई थी कि जो आईपीएल 2022 होगा वो इंडिया में ही होगा और कहीं ना कहीं दर्शक उसमें नहीं रहेंगे, बिना दर्शकों के ये पूरा आईपीएल इंडिया में ही होस्ट करा जाएगा। पर जिस तरीके से केसेस में इंक्रीज हुआ है, उसको देखते हुए जो पहला प्रपोजल आया है आईपीएल होस्ट करने का, वो साउथ अफ्रीका की तरफ से बीसीसीआई के पास आ चुका है। साउथ अफ्रीका ने बीसीसीआई को ये प्रपोजल भेजा है कि इस बार की आईपीएल अगर इंडिया में नहीं होती है तो वो पूरे तरीके से इंटरेस्टेड हैं कि वो आईपीएल को अपने वहाँ होस्ट कर सकें, जैसा कि पिछले साल भी यूएई में होस्ट हुई थी। बट इस बार सबसे पहला प्रपोजल जो आया है साउथ अफ्रीका की तरफ से आया है। अभी इस चीज़ को लेकर डाइसी है कि इंडिया में ही आईपीएल होगी या साउथ अफ्रीका में होगी, क्योंकि फिर लास्ट ईयर की तरह लोग नहीं चाहते ऐसा हो कि आईपीएल हो उसके बाद बीच में रुक जाए भारत में और फिर दोबारा हो, क्योंकि फिर वो सारा जो मोमेंटम होता है प्लेयर्स का और दर्शकों का वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यही कि हो आईपीएल तो इंडिया में ही हो। जाहिर सी बात है, नई नई टीमें जुड़ी हैं तो भारत के दर्शक उसको इंडिया के मैदानों पर इंजॉय कर पाए रेदर देन किसी विदेशी मैदानों पर। तो ये वक्त ही बताएगा कि आईपीएल कहाँ पे कॉन्डक्ट होती है। बट अब जो बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ की तरफ, जैसा कि मैंने एक दो दिन पहले वीडियो में भी शेयर करा था कि राहुल द्रविड़ ने जब मैच की हार के बाद अपना स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने बहुत क्लियर ये चीज़ बताया कि जो लोगों को ये मिथ है माइंड में कि हार्दिक पांड्या बाहर कर दिए गए हैं टीम से, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हार्दिक पांड्या इस समय एक रिकवरी मोड पे, और हमेशा से हमारे ये माइंड में है कि हार्दिक पांड्या तो हमारी टीम में रहेंगे ही, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो आने वाला, चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो। उन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी थी कि हार्दिक पांड्या इस समय थोड़ा सा फिटनेस पे अपने वर्क कर रहे हैं, ताकि वो बॉलिंग पे भी अच्छे से अपने काम कर पाएँ, बैटिंग पे भी कर पाएँ, इसलिए हमने उनको एक रेस्ट दिया था कि वो रिकवर हो सकें। तो वो एक प्रैक्टिस मोड में है और हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि वो टीम में आएँ और उसी तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो मैं भी ये सुन के बहुत खुश हुआ था, क्योंकि अगर हमें वो पुराने हार्दिक पांड्या मिल गए, जाहिर सी बात है पिछले 2 से 3 सालों में हमें बॉलिंग में वो हार्दिक पांड्या देखने को नहीं मिल रहे थे, और थोड़ा सा कमतर बैटिंग में भी जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो हार्दिक पांड्या हमें नज़र नहीं आ रहे थे। तो अगर हमें वो पुराने हार्दिक पांड्या मिल गए जो 135-140 की स्पीड के साथ बॉलिंग भी करा लेते थे, और साथ ही साथ डेथ ओवर्स में और नीचे की पोजीशंस पे एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दे जाते थे, अगर वो हार्दिक पांड्या हमें मिल गया, तो मुझे लगता है हमारी बहुत ज़्यादा ही टीम बैलेंस हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड
हार्दिक पांड्या ने भी यहाँ पे अपडेट दी कि मैं जो अपनी फिटनेस पे अभी काम कर रहा हूँ, मैं ये सोच के नहीं कर रहा हूँ कि मुझे एक फुल टाइम बैट्समैन इंडिया में जाना है या फुल टाइम बॉलर जाना है, मेरी जो पूरी प्रैक्टिस है वो यही सोच के है कि मुझे इंडिया में एज अ ऑलराउंडर ही खेलना है। अगर मैं एज अ बैट्समैन या सिर्फ एज अ बॉलर खेलने के लायक हूँगा तो मैं खुद ही नहीं खेलूंगा, मेरी प्रैक्टिस मेरी फिटनेस पे जो भी काम चल रहा है यही सोच के चल रहा है कि मुझे अपने देश के लिए एज अ ऑलराउंडर ही खेलना है। तो ये सुन के बहुत ही खुशी मिली क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से हार्दिक पांड्या थोड़ा सा इसी तरीके से ही टीम में खेल रहे थे कि वो सिर्फ बैटिंग करेंगे या जरूरत पड़ गई तो एक आध ओवर डाल देंगे, और बहुत ज्यादा उनसे चाहे आईपीएल में भी आप देखें मुंबई इंडियंस ने तो ना के बराबर बॉलिंग कराई थी, और इंडिया ने भी T20 वर्ल्ड कप देखे हैं और भी मैचेस देखे हैं आसपास तो बॉलिंग बिल्कुल भी वो नहीं करा रहे थे, इसलिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उस तरीके का सामने नहीं आ रहा था जिसके लिए हार्दिक पांड्या आज तक जाने गए हैं। पर पहले राहुल द्रविड और फिर हार्दिक पांड्या की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है बहुत ज्यादा दिल को सुकून पहुंचाता है। तो जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि जैसे वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू होने वाली है 6 तारीख से, उसमें हमें हार्दिक पांड्या टीम में दिखें और उसी तरीके की वो परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकें जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जाहिर सी बात है रविंद्र जडेजा भी उनके साथ एक बार शामिल हो जाएंगे तो टीम हमारी कहीं ना कहीं 2-3 times और स्ट्रांग हो जाएगी जैसा कि हमें टीम को देखने की आदत है। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं, जैसा कि पता नहीं आप लोग को पता हो ना पता हो कि जो फोर्थ मैच हुआ था उसमें थर्ड मैच जो हुआ था इंडिया का वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें फिर से भारत को स्लो मैच रेट के कारण 40% फी गंवानी पड़ी थी। हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा था न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को वही चीज़ झेलनी पड़ी थी, उनकी टेस्ट फी कट कर दी गई थी। बट लेट्स सी आगे क्या होता है, आप लोग का हार्दिक पांड्या के रिटर्न पे क्या कहना है, आप हार्दिक पांड्या को टीम में क्या देखना चाहते हैं उसी तरीके से ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर हार्दिक पांड्या फिट हो जाते हैं तो इंडिया का लेवल किस हद तक इम्प्रूव हो सकता है, ये इस पर अपनी राय 100% मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे जोशी तो बोलेगा पे फॉलो नहीं करा है तो आए और मैसेज दें, जो आपको मैसेज पे पूछना है बोलें, जो आपको मैसेज में कहना है कहें, अच्छा बुरा जो भी आपको एडवाइस देनी है दें, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगली आप ये भी मुझे बताएं, किस पे आप मुझसे चाहते हैं मैं रिएक्ट करूं, किस जो भी इंडिया में करेंटली सिनेरियो चल रहा है किस पर्टिकुलर एंगल पे आप चाहते हैं मैं बात करूं, बिल्कुल खुले दिल के साथ आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं। मैं 100% में जैसा कि पहले भी हजारों बार बोल चुका हूं, मैं 100% हर पर्टिकुलर पर्सन को जवाब देता हूं, वो कुछ भी कहे कुछ भी बोले अच्छा कहे बुरा कहे सबको मेरी तरफ से रिप्लाई मिलता है। तो बिना वेट करे आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं मैसेज दे सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वेट मत करें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में लगातार हम दिन में 2-3 वीडियो आपको कोशिश कर रहे हैं डिलीवर कर सके ताकि आपको इंडिया में जो भी चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड में उससे तो आप अपडेटेड रह ही रहे, बट आप जब सुने वीडियो को तो भले ही आप देख रहे हो ना देख रहे हो आराम से आप सुन के भी रिलैक्स होके सारी जो क्रिकेट वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं आप तक पहुंच सकें। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद।